हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। एसटी मिश्रा पोखरण ब्लॉक्स में करती हूँ। पहले तो आप लोगों का ढेर सारा मैं वेलकम करती हूँ फ्रेंड्स। और हैप्पी का जो एक टीथ है वो टूट चुका है, हैप्पी का जो फेस है कैसा लग रहा है हैप्पी? बहुत बुरा हैप्पी को लग रहा है। हैप्पी को मन नहीं कर रहा कि वीडियो में आए, कह रही मम्मा मुझे मत, मेरा फेस मत दिखाओ, हम कल्ले कलोटे लग रहे हैं। सो फ्रेंड्स, काफी टाइम से मैं आप लोगों से बातें नहीं कर पाई, किसी के वीडियो पे नहीं जा पाई, उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ। इतनी ज्यादा भाग दौड़ वाली लाइफ रही है, 4 से 5 दिन बिजी, इतना बिजी मतलब मेरा दिन रहा है ये इन 4-5 दिनों में। क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता था मैंने कलश लिया था, तो मॉर्निंग में सुबह जल्दी से उठना, फिर वहां पे जाना, वहां की कलश की पूजा करना, फिर वहां पे परिक्रमा देना, है ना। तो बहुत ज्यादा, हाँ बहुत ज्यादा फ्रेंड्स टाइम, मतलब ऐसा नहीं है, एक तो ठंडी बहुत ज्यादा होती थी, फिर वहां से आओ चाय नाश्ता, फिर 11:30 बजे वहां पे पहुंच जाओ, फिर वहां से लौट के आओ, 5:30-6 का टाइम हो जाता था वहां से मतलब आने में। फिर वहां की शाम को भी पूजा करते थे, दिया वगैरह जलाया जाता था, और बस इसीलिए 4 से 5 दिन। और मतलब वीडियो वगैरह तो हम लोग डेली डालते हैं, बस ये है कि फ्रेंड्स ऐसे मौके एक साल में एक बार होती है भागवत हमारे मोहल्ले में, तो अच्छा लगता है। इस पल को भी इंजॉय मैंने किया, भागवत को फुल इंजॉय, 7 दिन का पता नहीं चला, 7 दिन कितने जल्दी निकल गए, बहुत अच्छे से मतलब हमारे 7 दिन निकले हैं, बहुत अच्छी भागवत रही है। मौसम बस खराब रहा था, मौसम की वजह से थोड़ी सी सुनने में दिक्कत हो रही थी कि ऐसे ऐसे कप रहे थे लोग बाग, जो मतलब भागवत सुनने आते थे वो ऐसे ऐसे कांप रहे थे, बहुत ठंडी थी इस वजह से। और रात में भी होता था फ्रेंड्स, मैं 2 दिन रात को गई थी, बस ये है कि मतलब इतना वहां पे म्यूजिक बजता था, तो इस वजह से कोई वीडियो मैंने एडिट कोई वीडियो नहीं मतलब बनाया था, कोई फायदा भी नहीं था। म्यूजिक के साथ दिखाते तो अच्छा लगता, ऐसे फालतू का दिखाना भी अच्छा नहीं लग रहा था। सो फ्रेंड्स, एक देखो बातों के चक्कर में मैं आपको एक बहुत ही अच्छी सी खुशखबरी बताना भूल गई। हैप्पी कौन बताएगा, हम की आप? हम। तो बताओ फटाक से। हमारा एक प्लांट और लग गया। ऐसे मुंह मीठा करके लड्डू खिलाओ फ्रेंडों को। लड्डू तो नीचे रखे, तो लेके आओ। अच्छा। सो फ्रेंड्स, एक खुशखबरी मेरी बताऊं मैं आपको, कि आपको पता होगा जो मेरा मतलब डेली ब्लॉग देखते हैं, डेली मतलब मुझसे काफी टाइम से जुड़े हुए हैं जो मेरा व्लॉग डेली देखते हैं, तो मेरा जो एक प्लाट था, मतलब बताने वाली बात नहीं है फिर कुछ पल ऐसे होते हैं कि जो खुशी आप लोगों के साथ शेयर मैं भी करती हूँ, मुझे भी बहुत खुशी है, और मेरी खुशी आप तक शेयर करना मुझे अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, जो अपनी कमाई से कुछ खरीदा जाता है तो वो खुशी कुछ अलग ही होती है। देखो मम्मी पापा खरीदते हैं वो अलग ही खुशी है, लेकिन जब अपनी कमाई से खुद खरीदो, और जब मतलब मैं बता दूं आपको, मेरा जो एक प्लाट था फ्रेंड्स, एक साल मतलब पहले लिया गया था, एक साल शायद उसको हुआ ही है, पूरा 1.5 साल भी नहीं हुआ है उसका, 1 साल ही हुआ है, और 1 साल के अंदर अंदर मेरा एक प्लाट और मतलब मेरे हस्बैंड ने ले लिया है। तो बस ये खुशी मुझे आपको बतानी थी। छोटी छोटी खुशियां हैं लेकिन मेरे लिए बहुत ही बड़ी हैं, बहुत ही मायने रखती हैं ये छोटी छोटी खुशी आपके साथ शेयर करना, जो मेरे अपने हैं उनके साथ मैं शेयर करती हूँ, अच्छा लगता है फ्रेंड। तो बस यही खुशी थी तो वो आपके साथ मुझे शेयर करनी थी। और हैप्पी देखो लड्डू लेके आ गई है, हैप्पी खिलाओ फटाक से मेरे फ्रेंडों को ऐसे आधा लड्डू भैया कौन खाता है, खा लो लड्डू खुशी में, है ना, हम लोगों की खुशी में खा लो भाई, शामिल हो जाओ सब लोग। तो रख दो फ्रेंड्स, फ्रेंडों ने खा लिया है ना। तो फ्रेंड्स, काफी टाइम बाद मैं आप लोगों से बात भी कर रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। और हर किसी के वीडियो पे मैं किसी के वीडियो पे जा ही नहीं पा रही हूँ, हर किसी के नहीं, मैं किसी की वीडियो 4 से 5 दिन नहीं देखी हूँ, तो इसके लिए मैं कान पकड़ के सॉरी बोल रही हूँ। अब बिल्कुल फ्री हूँ, अब बिल्कुल मतलब जो भागवत का भंडारा वगैरह है सारा कुछ बहुत अच्छे से हो गया है फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से भंडारा वगैरह हुआ था, बहुत अच्छा खाना बना था और मजा आ गया था। सच बता रहा हूँ, भंडारी की सब्जी तो मुझे इतनी ज्यादा पसंद है मैं क्या बताऊँ, और मैं मतलब लेके भी आई थी तो वही सब्जी मैंने आज मॉर्निंग में खाई है, और उसकी खुशी में हमने बनाया है क्या यम्मी यम्मी हलवा, है ना, खुशी में बनाया है, प्लाट की प्लाट आने की खुशी में कुछ मीठा बनाया है फ्रेंड्स, तो अच्छा लगा। और आज हैप्पी ने अपने बाबा को भी बताया तो बाबा की भी आंखें खुशी से भर आई थी, मतलब खुशी की आंसू उनके भी निकल आए थे, कि मतलब खुशी होती है ना एक बाप को कि चलो मेरे बेटे ने कुछ किया, उनको भी खुशी होती है, हाँ चलो हमारे ऊपर निर्भर नहीं है, अपने ऊपर मतलब बहुत कुछ उन्होंने कर लिया है इतनी सी एज में,
तो उनको भी मतलब खुशी होती है। आज मम्मी होती तो मम्मी को बहुत ज्यादा खुशी होती है, सच बता रहा हूँ। फिर से अगर मेरी सासू माँ होती उनको पता चलता कि फिर से एक प्लाट लिया गया है। वैसे तो उनके सामने जो पहला प्लाट था वो उनके सामने ले लिया था इन्होंने, तब बहुत खुश थी, और जब दूसरा लिया है तो उनकी बहुत याद आई हम लोग को, बहुत मिस किया मम्मी को कि आज मम्मी होती बहुत ज्यादा खुश होती, बहुत ज्यादा, है ना। अभी सो फ्रेंड्स वीडियो को भी लेंथ ही नहीं करते हैं, हर किसी की वीडियो को मैं अभी देखूंगी, तो प्लीज सपोर्ट सहयोग प्लीज बनाए रखना, ऐसा मत करना एसटी कहीं चली गई थी, है ना। तो तान्या आपके साथ है और आपके सो फ्रेंड बस वही एक काफी कमेंट भी आ रहे थे इंस्टाग्राम पे, तान्या कहाँ खो गई हो तुम, कहीं क्या हुआ है, फीवर आया है, कुछ हो गया है। तो मैंने कहा कहीं नहीं खो गई, बस 4 से 5 दिन बिजी हूं मैं, तो बस ये 4 से 5 दिन निकल गए। और भागवत का कार्यक्रम था, बहुत अच्छा लगा, सब मतलब फुल इंजॉय भी किया हमने। कल भंडारा था, कल बहुत अच्छे अच्छे मैंने भजन भी वहां पे गाए थे, है ना हैप्पी। बहुत अच्छे अच्छे भजन गाए थे, बहुत ही अच्छा लगा था फ्रेंड्स। तो चलो फिर वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ, आप लोग अपना सपोर्ट सहयोग बनाए रखना। तो ताने आप लोगों की कहीं नहीं खोई थी, तो बस ना उसको फीवर है ना कुछ है, और आप लोग छोटी छोटी समस्याएं मतलब पूछते हो क्या हुआ, कुछ हुआ है, फीवर आया, तबीयत कैसी है, तो बहुत अच्छा लगता है सच में। ऐसा लगता है अपने बहुत अपने लोग हो गए हैं YT के जरिए, बहुत लोग पहचानने लगे हैं, बड़ी बहनें हो गई, छोटी बहनें हो गई, भाई हो गए, सब कुछ मतलब YT की तरफ से इतने प्यारे प्यारे रिश्ते मिले हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। तो ज्यादा वीडियो को लेंथ ही नहीं करते हैं, वीडियो का एंड भी फ्रेंड्स यहीं पे कर देते हैं। बस यही मुझे आप लोगों को खुश खबरी एक अपडेट देना था कि तो वीडियो भी ज्यादा लंबा नहीं किया है मैंने। वीडियो किसी भी रीजन से अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक करना, न्यू हो तो प्लीज ज्वाइन करना। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। बहुत ज्यादा हवा चल रही है ठंडी ठंडी, तो इनको मैंने स्टॉल दिया है ओढ़ने को, और फ्रेंड्स अब जलाऊंगी मैं आग क्योंकि इतनी हवा चल रही है ठंडी ठंडी। हाँ देखो आप लोग ऐसे बर्तन वॉश वगैरह कपड़े वॉश करके आए हैं, तो हाथ बिल्कुल ठिठुर चुके हैं मेरे, हमारे यहाँ ठिठुर ना बोलते हैं, आप लोगों की यहाँ क्या बोलते हैं बताना, ठीक है। मिलते हैं, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, राधे राधे। और आप लोग अपना ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखें, है ना। आप लोग अपना ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखें फ्रेंड्स, ताकि हम लोग अपनी लाइफ में कुछ और भी अच्छा कर पाए। तो मिलते हैं, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।